सो हम लोग काम कर रहे थे अपने जावास्क्रिप्ट के सीरीज़ के ऊपर, और ऑलरेडी मैं आपको 3 लेक्चर्स प्रोवाइड कर चुका हूँ और आज हमारा 4th क्लास है उसके ऊपर। अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है इंट्रोडक्शन, जावास्क्रिप्ट कहाँ पे यूज़ होता है और उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या नहीं है, वो सारा अब तक हमने 3 लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और आज के लेक्चर के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि क्या जावा और जावास्क्रिप्ट सेम है, अगर है तो कैसे, अगर डिफरेंट है तो क्या क्या डिफरेंसेस हैं, हम वो डिस्कस करने वाले हैं। और ये लेक्चर आपका इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, या फिर कॉलेज के वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आपसे पुट कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप मेक श्योर थोड़ा ध्यान से सुने और एंड तक देखें इसको। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम देखें तो मैंने आपके लिए पीपीटी तैयार कर रखा है यहाँ पे। सो प्रेजेंटेशन के अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें चेक कराता हूँ। तो बेसिक चीज़ों से हम इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो चलो कहने की बात नहीं है, लेकिन दोनों के लोगो बहुत अलग है, दोनों सेपरेट सेपरेट एंटिटीज़ हैं, दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या फिर आप कंपनी कह लो उनको, दोनों सेपरेट है, नाम को लेके है, लोगों को लेके है, लेकिन क्या उनकी फंक्शनैलिटी भी डिफरेंट है या नहीं है वो आपको 5-6 मिनट के अंदर क्लियर हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले डिफरेंस से अंदर। उससे पहले आपको यहाँ पे मेरे सोशल मीडियाज़ का लिंक दिख रहा होगा, आप चाहें तो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं इन सारी चीज़ों के ऊपर। जावा की अगर स्टार्ट करें हम बात, तो जावा इज स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज एंड वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड फर्स्ट टू यूज इन द प्रोग्राम। इन जावा द टाइप ऑफ वेरिएबल इज चेक्ड एट कंपाइल टाइम। जावा स्ट्रांगली टाइप्ड वेरिएबल है, लैंग्वेज है जिसके अंदर वेरिएबल्स को अगर हमें यूज करना है तो यूज करने से पहले हमें उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, समथिंग लाइक सी और सी प्लस प्लस में जो हम करते आ रहे थे। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो मैं उसके लेक्चर्स भी लेके आने वाला हूँ, अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो। जावा में वेरिएबल्स की जो टाइप है ना वो चेक हो जाती है जब उसको कंपाइल किया जाता है। अब वेरिएबल उसमें इंटीजर होता है, बूलियन होता है, डबल होता है, फ्लोट, कैर, ये वो अलग अलग चीज़ें हैं जो कि पीएचपी में हटा दी गई थी, जो मैंने लास्ट सीरीज आपको कराई थी ना गूगल वाले वेबसाइट से पहले। तो जावा के अंदर वो चेक होता है कंपाइल टाइम पे। ऑल्दो अगर हम बात करें जावा स्क्रिप्ट की, तो यहाँ कंपाइलर जैसा कुछ नहीं होता हमारे पास, और ये नॉर्मल वेब ब्राउजर के ऊपर काम कर जाता है जो कि जावा स्क्रिप्ट को सपोर्ट करता है वो। जावा स्क्रिप्ट इज वाइडली टाइप्ड लैंग्वेज एंड हैव मोर रिलैक्सेशन रिलैक्स्ड सिंटेक्स एंड रूल्स। इसके सिंटेक्स थोड़े से आसान है, रूल्स भी आसान है। वहीं अगर मैं बात करूँ जावा की, तो भाई एक मैसेज प्रिंट करने के लिए भी ना ऊपर पहले ये इंपोर्ट करो, ये क्लासेस लगाओ वगैरह वगैरह, और 8-10 लाइन आपके वेस्ट हो जाते हैं। तब जाके आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन अगर आप ऐसा कुछ लिखोगे तब जाके आपका एक मैसेज प्रिंट होता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आप स्क्रिप्ट आके स्टार्ट करो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख के आप नॉर्मल तरीके से अपने स्क्रीन के ऊपर कुछ भी प्रिंट कर सकते हो। लेकिन जावा के अंदर ना काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस, इसलिए मैं इसको थोड़ा कम ही प्रिफर करता हूँ। सो ये रहा हमारा पहला डिफरेंस। सेकेंड की बात करें तो जावा इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये ऊप्स को सपोर्ट करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑल्दो अगर मैं बात करूँ जावा स्क्रिप्ट की, तो जावा स्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और जो जावा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है ये, लेकिन वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी में आता है, ये स्क्रिप्टिंग में आता है अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट को लेके तो। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? ऐसी एंटिटीज, ऐसी चीज़ें जिसको आप रियल लाइफ के ऊपर प्रोग्राम बना सको। HTML की ये कैपेबिलिटीज़ नहीं थी, सी की ये कैपेबिलिटीज़ नहीं थी, C++ जावा की है और जावा स्क्रिप्ट की भी कुछ हद तक है। रियल लाइफ जैसे मतलब आप फ़ोन के ऊपर कुछ प्रोग्राम बनाना चाहते हो बना सकते हो, टेबल आपका रियल लाइफ एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर बनाना चाहते हो बना सकते हो, उसकी हाइट क्या है, विड्थ क्या है, ये वो जो भी है, ये कैपेबिलिटीज बाकियों में नहीं थी लेकिन जावा और जावा स्क्रिप्ट में है। जावा एप्लीकेशन कैन रन इन एनी वर्चुअल मशीन, JVM, जिसको हम कहते हैं जावा वर्चुअल मशीन और ब्राउजर। तो बेसिकली आप जावा एप्लीकेशन को चला सकते हो, मतलब जो उसके सॉफ्टवेयर्स बनते हैं उसको, जिसमें वर्चुअल मशीन हो, जावा वर्चुअल मशीन सपोर्टेड हो, या फिर आप ब्राउजर के ऊपर भी चला सकते हो उसे। जावा स्क्रिप्ट कैन रन ऑन ब्राउजर ओनली, जावा स्क्रिप्ट इज डेवलप्ड फॉर ब्राउजर ओनली। इसको आप वर्चुअल मशीन के ऊपर नहीं चला सकते, जैसे कि समथिंग लाइक जावा स्क्रिप्ट वर्चुअल मशीन कुछ नहीं है मार्केट में ऐसा,
ये ब्राउजर के ऊपर ही चलेगा, इसको डेवलप ही किया गया है ब्राउजर बेस्ड के लिए, और ऐसा ब्राउजर जो जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करता हो, आप इसके कोड को उस जगह पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं अपने उस फाइल को। आगे बढ़े तो जावा प्रोग्राम्स हैज फाइल एक्सटेंशन डॉट जावा एंड ट्रांसलेट सोर्स कोड इनटू बाइट कोड विच इज एग्जीक्यूटेड बाय JVM, दैट इज जावा वर्चुअल मशीन। जावा के फाइल्स को अगर आप सेव करें, अब चाहे आप नेटबीन्स यूज करें या कोई और कंपाइलर यूज करें, कोई और सॉफ्टवेयर यूज करें, वो डॉट जावा का एक्सटेंशन आपको प्रोवाइड करके देगा, और जब वो एग्जीक्यूट होगा तो वो ट्रांसलेट हो जाता है बाइट कोड्स के अंदर। अगर आपके टीचर्स ने आपको फिफ्थ सेमेस्टर BCA के अंदर इसको पढ़ाया होगा तो आपको ये बेटर पता होगा कि वो बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें JavaScript की, तो JavaScript फाइल हैज फाइल एक्सटेंशन डॉट js एंड इट इज इंटरप्रेटेड बट नॉट कंपाइल्ड। एवरी ब्राउजर हैज JavaScript इंटरप्रेटेड टू एग्जीक्यूट js कोड। JavaScript का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो डॉट js होता है, मतलब कि JavaScript, और इसको इंटरप्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको कंपाइल करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बट जैसे ही आपका ब्राउजर जो है ना उसमें इंटरप्रेट होता है कि वो JavaScript के कोड को एग्जीक्यूट कर सके, तो ब्राउजर उसको चला लेता है। इसके लिए कोई अलग सा सॉफ्टवेयर की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये इंस्टॉल करोगे तो ही चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है JavaScript के केस के अंदर। सो जावा प्रोग्राम्स यूजेस मोर मेमोरी। भाई जावा का जो प्रोग्राम है ना बहुत ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करते हैं। प्रोग्राम को छोड़ो, इसके सॉफ्टवेयर ही बहुत ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करते हैं। कुछ छोटे मोटे सॉफ्टवेयर हैं लेकिन मैं जनरली नेटबीन्स को ही प्रिफर करता हूँ, मैंने मास्टरी कर रखी है उसके अंदर। लेकिन अभी मुझे जावा छोड़े हुए 1.5-2 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट। मैंने 11th-12th के अंदर 2 साल पढ़ा था, उसके अंदर हम एडवांस लेवल के अंदर सॉफ्टवेयर भी बनाते थे। कॉलेज के अंदर भी मैंने 3 साल पढ़ा हुआ है उसको। तो नेटबीन्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैवी है, उसको रैम भी अच्छी खासी चाहिए वरना वो हैंग करता है, खास करके ना चलने के मामले में, एग्जीक्यूट के टाइम पे। तो ये चीज़ बेकार लगती है मुझे कि सॉफ्टवेयर इतना हैवी है और मेमोरी भी बहुत खा लेगा ये आपका। बात करें जावास्क्रिप्ट को, तो जावास्क्रिप्ट रिक्वायर्स लेस मेमोरी, देयरफॉर इट इज यूज्ड इन वेब। अब क्योंकि ये कम मेमोरी यूज़ करता है तो भाई इसको हम वेब पेजेस पे यूज़ कर देते हैं। अब अगर हम जावा को यूज़ करने बैठ गए पेजेस के फ्रंट साइड्स के लिए, वैसा तो पॉसिबल नहीं है लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जिससे हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो मेमोरी इतना कंज्यूम करता है तो आपका डेटा भी तो उतना लग जाएगा। अब अगर 50 MB की वेबसाइट अगर मैं अपलोड कर दूँ फ्रंट एंड की, सिर्फ बैक एंड को छोड़ दूँ, तो भाई पहले आपका 50 MB डेटा खत्म होगा मोबाइल से, तब जाके वेबसाइट ओपन होगा, वरना वो लोड होता रहेगा। तो कौन वेट करता है आज के टाइम पे, 5 सेकंड भी कौन वेट करता है साइट के खुलने का, अगर कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट ना हो तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते कुछ केसेस में। लेकिन जावास्क्रिप्ट जो है वो लेस मेमोरी यूज़ करता है तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। जावा हैज़ अ थ्रेड बेस्ड अप्रोच टू कंकरेंसी। ना जिन लोगों को नहीं मालूम है कंकरेंसी मतलब कुछ फीचर्स को हम दोबारा यूज़ कर पाते हैं उसके, और कंकरेंट है बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है, थ्रेड बेस्ड को ये यूज़ कर लेता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ जावास्क्रिप्ट की, तो भाई इसमें इवेंट बेस्ड अप्रोच है। अगर आप कंकरेंट की बात करना चाहे तो ये थ्रेड बेस्ड है, ये इवेंट बेस्ड है। अब कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मुझे जस्ट अभी याद आ रहे हैं जिसको मैंने PPT के अंदर इंक्लूड नहीं किया हुआ है, वो भी मैं डिस्कस करना चाहूँगा। बात करें अगर सिक्योरिटी की, तो भाई वैसे तो दोनों ही बेकार कहूँगा मैं, लेकिन जावा एज कम्पेयर टू जावास्क्रिप्ट ज़्यादा सिक्योर है। जावा ऑब्वियसली बात, अगर आप बैकएंड पे यूज़ करेंगे तो इसका भी कोड नहीं दिखेगा, सीधी सी बात है, सर्वर साइड बन जाएगा वो, लेकिन है नहीं लेकिन वो बन जाएगा अगर आप बैकएंड पे यूज़ करेंगे तो, और उसका कोड आपको शो नहीं होने वाला, ठीक है। मैं थोड़े PHP के ऑल्टरनेट की बात करूँ उस कंपैरिजन में, या आप कुछ भी बनाएंगे तो कोड नहीं दिखने वाला उसको। लेकिन अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करें तो वो तो क्लाइंट साइड है, उसका कोड सीधे सीधे शो हो जाता है। ऑल्दो अगर आप एंड्रॉयड ऐप वगैरह डेवलप करते हैं जावा को यूज़ करके, तो भाई उसके लिए एंड्रॉयड डीकंपाइलर आते हैं, उसके अंदर कोड देखा जा सकता है बड़े आराम से, उसको एडिट भी किया जा सकता है, कुछ हद तक कोड मिल जाते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट में उसकी ज़रूरत ही नहीं है भाई इतनी मेहनत करने की, कंट्रोल यू प्रेस करो या फिर अब चेक कर लो, पेस्ट सोर्स कोड चेक कर लो, राइट क्लिक करके व्यू इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लो, कुछ भी कर लो, इसका कोड तो ऐसे ही दिख जाएगा। तो इससे आप वैलिडेशन लगाओ, जो मर्जी लगाओ भाई, ये इतना सिक्योर नहीं है, क्योंकि जो हैकर है, अटैकर्स है, वो फ्रंट एंड पे ही देख सकते हैं कि आपने क्या वैलिडेशंस लगा रखे हैं, क्या कोड लगा रखे हैं सिक्योरिटी के लिए, क्या स्क्रिप्ट चला रहे हो आप। तो क्लाइंट साइड है इसलिए लेस सिक्योर माना जाता है ये, ठीक है। तो अगर मैं आपको दिखा दूँ एक बार फिर से, तो कुछ ऐसे 3 पॉइंट्स हमने यहाँ कंसीडर किए हैं और 3 पॉइंट्स हमने यहाँ कंसीडर किए, जो कि आपसे इंटरव्यू के अंदर पूछ लिया जा सकता है और पूछा ही जाता है,
और आपसे वाइवा के अंदर पूछा जा सकता है। तो मेक श्योर आप इन्हें याद करके रख ले और समझ के रख ले कि क्या चीज़ है। मेन जो है एक्सटेंशन आप पक्का याद करके रखें कि यहाँ डॉट जे एस होता है, इसको कोई कंपाइलर इंटरप्रेटर नहीं चाहिए। यहाँ पर डॉट जावा होता है जिसको जावा बाइट कोड में बाद में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और जे वी एम एक कॉन्सेप्ट होता है जावा वर्चुअल मशीन, जिसके अंदर आपका 15 मार्क्स या बड़े आराम से बी सी ए के अंदर एक क्वेश्चन आता ही है, व्हाट इज जे वी एम जावा वर्चुअल मशीन। तो भाई इसको भी तैयार कर लेना, थोड़े अच्छे नंबर मिल जाएंगे तुम लोगों को, ठीक है। सो सोशल मीडियाज़ के लिंक मेंशन है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हो। कुछ चीज़ें और बता दूँ आपको फटाफट, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। और मैं पूरा ट्राई करूँगा कि आज रात को भी आपको दो वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ, मतलब आज के तीन वीडियो, और लाइव स्ट्रीम तो आएगा ही आएगा। और प्लेलिस्ट सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा गूगल जैसी वेबसाइट कैसे बनाए, सर्च इंजन जो प्रॉपर सर्च करके दिखाएगा, पीएचपी के ऊपर ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, और प्रोजेक्ट वगैरह है तो उसके अकॉर्डिंग भी लेक्चर है, एचटीएमएल का लेक्चर आपको मिल जाएंगे, बूटस्ट्रैप के ऊपर करंटली दो लेक्चर है, बहुत जल्दी वो भी आ जाएगा, ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनाए, यूट्यूब जैसी वेबसाइट कैसे बनाए, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट कैसे बनाए, और भी बहुत कुछ है लिनक्स वगैरह, तो आप उसको भी एक बार चेक कर ले, आपको काफ़ी कुछ मिलेगा मेरे चैनल से सीखने के लिए। सो बस आज के लेक्चर के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको डिफरेंसेस क्लियर है तो मेक श्योर आप कमेंट करके बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और कोई डाउट है कोई फीडबैक है वो भी कमेंट करके बताएं, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारे चैनल को ग्रो होने में थोड़ा सा हेल्प मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।